अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? आई होप आ रही होगी। जी ठीक है। सुफियान, सुफियान आपने वो असाइनमेंट नहीं सेंड की है? स्क्रीन भी नजर आ रही है आपको? चलिए सुफियान अपनी असाइनमेंट सेंड करो, कर दूंगा। कब करोगे भाई? हफ्ता हो गया। आज हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू करने हैं जी। आपकी बुक पे पेज नंबर 83 पे होगा जी। चैप्टर नंबर 8 कुरा हवाए, या फिर हम इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने जो अर्थ के जो स्फीयर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। इफ यू रिमेम्बर दैट, कि एक होता है एटमॉस्फेयर, एक हाइड्रोस्फीयर, मलाइका हान, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप बाद में कर दें। अच्छा, उसके बाद जी हम स्फीयर्स की बात कर रहे थे। एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। ये अर्थ के जो हैं वो चार स्फीयर होते हैं, जिसमें से हाइड्रोस्फीयर जो हमने पहले डिस्कस कर लिया चैप्टर नंबर 6 और 7 में, दोनों में, जिसमें हमने ओशन और रिवर वाला पढ़ा था। लिथोस्फीयर हमने चैप्टर नंबर 4 में किया है, जिसमें पहाड़, मैदान वगैरह हो गए थे। अभी हम जो है वो थर्ड पार्ट अर्थ का कर रहे हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर या कुरा हवाई कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या होता है, जो अर्थ है हमारी, जो जमीन है, इसके इर्द गिर्द हवा का एक गलाफ मौजूद है, यानी इनवेलप ऑफ एयर जो है अराउंड द अर्थ, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे हम लोग अभी जो है वो अर्थ की सरफेस पे मौजूद हैं, तो अर्थ की सरफेस के हम जो है वो, यानी अर्थ से यानी बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर रहे हैं। हम अर्थ की सरफेस पे मौजूद हैं, यहाँ पे हम जो सांस ले रहे हैं, इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं गैसेस को, ये हम बेसिकली हमारा जो एस्पिरेशन एस्पिरेशन वाला अमल होता है, ये हम एटमॉस्फेयर में कर रहे होते हैं। यानी कुरा हवाई से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं। ये सारी जो गैसेस होती हैं ये एक्चुअल में एटमॉस्फेयर से ही आ रही होती हैं, जो फिर जिंदगी का जो है वो आगे से मौजूद बनती है, डिफरेंट चीजों का, डिफरेंट थिंग्स का। अब हमारी जो वैसे जो अर्थ है सारी, इसका जो 97% एयर है, यानी 97% जो एटमॉस्फेयर है, अगर हम अर्थ सरफेस से बात करें, अर्थ सरफेस से स्टार्ट करेंगे तो हम हाइट की तरफ जाएंगे, तो 29 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसमें जो एटमॉस्फेयर है, तकरीबन 97% एटमॉस्फेयर उसी में सारा कवर हो जाता है। उसके बाद जो 3% एटमॉस्फेयर रह जाता है वो उसके ऊपर वाली बुलंदी में आता है। यानी मैक्सिमम जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ स्फीयर के करीब करीब मौजूद है। उसके बाद है जी, जैसा कि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर या एयर जो है वो कुरा हवा जो है वो जमीन के सरफेस के ऊपर मौजूद है। अब ये जो हवा होती है या जो एटमॉस्फेयर है, ये फिर जमीन पे एक जो एक स्पेसिफिक प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं, यानी हवाई दबाव भी हम इसको कहते हैं, कि हवा का दबाव किसी एक एरिया में कितना हो सकता है उसको हम फिर एयर प्रेशर करते हैं। ये बेसिकली जो एयर मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में, वो किसी भी अर्थ सरफेस के पार्ट पे अपना जो प्रेशर लगा रही होती है, अपनी फोर्स लगा रही होती है, उसको फिर एयर प्रेशर कहते हैं। अगर हम इस एयर प्रेशर की बात करें, समुंदर की जो सतह होती है, यानी जो नॉर्मल अर्थ की सरफेस है समुंदर के पास, उसमें एक इसका जो स्टैंडर्ड है एयर प्रेशर, वो 1 किलोग्राम फी मुरब्बा सेंटीमीटर होता है। यानी अगर हमारे पास एक मुरब्बा सेंटीमीटर स्पेस हम लेंगे, तो उसमें 1 किलोग्राम जो है वो एयर प्रेशर मौजूद होता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आया कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं, तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, और सतह जब हम जमीन की सरफेस के पास मौजूद होते हैं, तो जो एयर है वो डेंस होती है, यानी ज्यादा जो है वो कसीफ होती है। और जैसे जैसे जो जो हम जमीन से दूर जाते जाएंगे, यानी हमारा जो डिस्टेंस है अर्थ से वो
इंक्रीज करता जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी हाइट जो है वो इंक्रीज करेगी, तो एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी, यानी हवा में जो कसाफत या डेंसिटी हम कहते हैं किसी चीज के गाढ़ापन को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज करती जाएगी हाइट के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जी, कहता है कि एटमॉस्फेयर के बगैर अगर, यानी एटमॉस्फेयर यानी कुरा हवा मौजूद ना हो, तो अर्थ पे जो है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यानी जिंदगी का जो वजूद है वो, या जिंदगी का लाइफ का जो वजूद है वो एटमॉस्फेयर के बगैर नहीं है। अगर हमें, हम चाहते हमें ये चाहिए कि यानी अर्थ सर्फिस पे जिंदगी चाहिए, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए एटमॉस्फेयर का होना जरूरी होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है अर्थ की, नीचे आपको अर्थ नजर आ रही होगी, ये वाला जो आपके पास पार्ट है जिसको हम अर्थ कहते हैं, ये सारा हमारे पास अर्थ सरफेस आता है। ये जो आपको ग्रीन कॉन्टिनेंट्स या जो ओशंस नजर आ रहे होते हैं, ये बेसिकली अर्थ सरफेस है। इनर जो होता है वो इनसाइड द अर्थ होता है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था एक अर्थ का जो एक कोर होता है, फिर मेंटल होता है, उसके बाद क्रस्ट है, मेंटल कोर, ये वाले जो रीजन है ये असल में अर्थ का जो है वो सेंटर होता है, इनसाइड अर्थ। उसके ऊपर जो हमें नजर आ रहा होता है, जिसपे हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, इसके अलावा भी जो लिविंग थिंग्स मौजूद है, वो सारी एक्चुअल में अर्थ सर्फिस पे मौजूद है, ये वाला जो रीजन होता है जिसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन वगैरह होते हैं। तो इसके बाद ये आपको एक इनवेलप नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये सारा जो है ये एटमॉस्फेयर। अब उसने आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, यानी एटमॉस्फेयर की आगे से लेयर्स होती हैं पांच, उसको उसमें डिवाइड किया जाता है किस लेयर में कौन कौन से फिनोमेनास हो रहे होते हैं, वो सारी यहाँ पे इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। उसके बाद आते हैं जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, यानी एयर के अनासर, एयर जो है एटमॉस्फेयर किन चीजों से मिलके बनी हुई है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर कहते हैं। अब एयर जो है बेसिकली ये मिक्सचर होती है डिफरेंट गैसेस का। अब वो गैसेस जो है वो डिफरेंट फिर क्वांटिटी के हिसाब से पाई जाती है, जैसे अगर इन गैसेस की हम क्वांटिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन होती है N2, यानी नाइट्रोजन तकरीबन जो है वो 78% ओवरऑल जो है वो जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें से 78% सिर्फ जो है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है वो उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, जिसको 21% कहा जाता है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल या एग्जैक्ट जो क्वान्टिटी है वो 20.99% होती है, तो इसको 21% ही कंसिडर किया जाता है। देन उसके बाद ऑर्गन आती है 0.04% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01% है। ये इसकी, ये जो अब इसकी जो क्वांटिटी होती है इन गैसेस की, यानी कितने परसेंट गैसेस हैं, ये तकरीबन सेम रहती है थ्रू आउट द सरफेस, लेकिन कुछ जगहों पे जाके इसकी निस्बत में, इसकी रेशियो में चेंजेस भी आती हैं। जैसे अगर कोई माउंटेनियस रीजन है या कोई किसी समुद्री जहाँ पे ओशियनिक करंट्स का डिफरेंस आएगा, वहां पे आके सम हो चेंजेस आती है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आता। लेट्स से कि अगर नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 78% ओवरऑल, तो लेट्स से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे उसके एटमॉस्फेयर की या क्लाइमेट की तब्दीली की वजह से वहां पे उसके 78 से लेट्स से 80 हो जाएगी, या 80 से कम होके 76-77%, यानी बहुत माइनर डिफरेंस जो है वो कुछ जगहों पे होता आता है, लेकिन ज्यादातर जो इसकी क्वांटिटी है इन दोनों इन गैसेस की वो सेम रहती है। यहाँ पे वही है जी, कंपोजिशन ऑफ द गैसेस ऑलमोस्ट सेम। देन उसके बाद आते हैं जी हमारे पास वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर अगर हम उर्दू में आ जाए तो हम कहते हैं मौसम को, और क्लाइमेट कहते हैं जी आबो हवा को। मौसम क्या होता है आप सभी को पता है इस बारे में कि मौसम क्या होता है,
यानी मौसम कहता है कि हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कुरा हवा में मौजूद जो कंडीशंस होती हैं डिफरेंट, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, इसके फैक्टर जो होते हैं, उनकी शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए, यानी आपने अक्सर सुना होगा न्यूज में कि जब मौसम का बताते हैं तो कहते हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम इस तरह का रहेगा, लेट्स से कि मतलब अबर आलूद रहेगा, या फिर अगले 10 दिन जो है वो सूरज के बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, टेम्परेचर इतना रहेगा। अब मौसम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले टेम्परेचर आता है, यानी दर्जा हरारत जो है वो कितना रहेगा, 20 होगा, 20 सेल्सियस है, 25 है, 30 है, कितना हो सकता है। फिर उसमें जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है मॉइस्चर, यानी एयर में जो नमी, हवा में जो नमी का तनासब होता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं या मरतूबियत कहते हैं उर्दू में, यानी ह्यूमिडिटी कितनी होगी यहाँ पे, वहाँ पे जो एरिसोल्स हैं, यानी जो पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या जो एयर पार्टिकल छोटे माइन्यूट होते हैं, वो कितनी होती हैं, यानी ये डिफरेंट, अगर आप बहुत आसान अल्फाज में आप यूं कह लें कि दर्जा हरारत और हवा में नमी का तनासब, इन दोनों को मिला के किसी जगह का हम मौसम डिफाइन कर देते हैं, यानी अगर वहां पे दर्जा हरारत ज्यादा है, वहां में नमी का तनासब कम है, तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा, यहाँ पे गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ने वाली है। और उसी उसकी उसकी उल्टी साइड पर अगर हम देखें, यानी अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है, दर्जा हरारत कम है और हवा में नमी का तनासब जो है वो ज्यादा है, तो वुड से कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है कम, वेदर जो है वो यहाँ पे कूल डाउन रहेगा, कोल्डर मौसम होगा, यानी सर्द मौसम आएगा। अब जैसे वेदर है, वेदर या मौसम को हम आप यानी एक घंटे बाद बता सकते हैं, अगर अभी आप चेक करें मोबाइल पे, आपको सारे दिन का मतलब 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वो सारी डिटेल दे रहा होगा कि इस टाइम पे इतना मौसम, इतना टेम्परेचर होगा, इतना हवाओं का नमी का तनासुब होगा। फिर डे टू डे बता रहा होता है, सीजन टू सीजन, यानी इस महीने में कितना होगा, नेक्स्ट मंथ में जो वो टेम्परेचर कितना रह सकता है, इन सारी कंडीशन को हम मौसम या फिर वेदर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बेसिकली वेदर ही होता है, लेकिन इसमें वेदर की जो कंडीशन होती है उसको लॉन्ग टर्म में देखा जाता है, यानी अगर हम यूं कह लें कि मौसम की मौसमी कैफियत, यानी किसी एक मखसूस जगह की मौसमी कैफियत का कम से कम 30 साल का जो हमारे पास एवरेज आती है, औसत आती है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। यानी जैसे हमने मौसम में देखा टेम्परेचर और हवा में नमी का तनासब, अब हम यही हवा में नमी का तनासब और टेम्परेचर जो है इसको पिछले 30 साल का इसका डाटा लेंगे और उसकी एवरेज निकाल लेंगे, तो हमारे पास वहां की आबो हवा आ जाएगी। लेट से कि साय आलमगीर के हमें क्लाइमेट की बात करनी है कि क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे, तो दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक समर का क्लाइमेट होगा यानी गर्मियों का, और एक सर्दियों की आबो हवा होगी। अगर सर्दियों की आबोहवा की हमने बात करनी है तो फिर हम 2020 से पीछे 1990 तक, यानी 30 साल का सर्दियों का डाटा लेंगे टेम्परेचर और हवा में नमी के तनासुब का। अब फिर उसके बाद हम उसकी जो है वो एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास क्लाइमेट आ जाएगी कि सराय आलमगीर के जो सर्दियों की आबोहवा है वो ना तो ज्यादा सर्द होती है ना ज्यादा गर्म होती है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी जो है वो नहीं पड़ती। इसी तरह अगर हम दूसरी टाइप की बात करेंगे गर्मियों की, तो गर्मियों में हम पिछले 30 साल का गर्मी वाले सीजन का डाटा ले लेंगे, मौसम जो हमारे पास मौसम गर्मा है, फिर उसके हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्लाइमेट आ जाएगा। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी जो मौसम और आबोहवा है इसके कौन से अनासर हैं, वही एलिमेंट्स जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि किन चीजों से मिलके वेदर एंड क्लाइमेट बनता है, जिसमें सबसे पहले हीट आती है, यानी टेम्परेचर दर्जा हरारत, वहां पे दर्जा हरारत जो है वो कितना है। उसके बाद एयर प्रेशर, यानी जो हवा का दबाव है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में वो कितना है, उसकी जो है वो क्वांटिटी क्या है। उसके बाद ह्यूमिडिटी, यानी हवा में नमी का तनासुब कितना है या मरतूबियत कितना है। ये तीन जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वेदर के लिए, इसके अलावा कुछ और भी माइनर होते हैं, लेकिन ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट और मेन जो है एलिमेंट्स होते हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट या वेदर को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब लेट्स से अगर हम हरारत की ही बात कर लें, दोबारा से इसमें थोड़ी सी डिस्कशन की हुई है कि यानी जैसे जैसे किसी एक एरिया में टेम्परेचर या हरारत जो है दर्जा हरारत ज्यादा होगा तो वहाँ का जो वेदर है वो हाई होगा, वेदर जो है वहाँ का वार्म वेदर होगा, गर्म मौसम होगा। और अगर किसी इलाके का मौसम जो है वो गर्म होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो क्लाइमेट है वो भी फिर जो है वो हमें वार्म क्लाइमेट में मिलेगा।
नेक्स्ट है जी फैक्टर फैक्टिंग ऑन टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस, यानी किसी जगह का जो दर्जा हरारत होता है उस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल, यानी अगर एक जगह लेट से सैलमगीर की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अगर ज्यादा है, ज्यादा रहता है गर्मियों के मौसम में, तो क्यों रहता है, कौन से अवामिल हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उस टेम्परेचर को हाई रखने में हेल्प आउट करते हैं, या अगर फिर यहाँ का जो टेम्परेचर है या जो वेदर है यहाँ का वो अगर कोल्डर रहता है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको कोल्ड रखने में मदद देती है। बुक तो है हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक है तबई ज्योग्राफिया अब्दुल्ला। ओके जी, हम इन फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से किसी जगह का जो दर्जा हरारत है वो कम या ज्यादा होता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से फासला, खत इस्तवा से फासला। जमीन को हमने जो इमेजिनरी लाइंस थी जिनको हम अर्थ बल्द कहते हैं, अर्थ बल्द की लाइंस ड्रॉ की थी हमने अर्थ में, जिसको हम अर्थ बल्द की जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन होती है दरमियानी लाइन, उसको हम हते इस्तवा कहते हैं या फिर इक्वेटर कहते हैं। अब यहाँ से पहला पॉइंट ही ये हमारे पास बनेगा कि इक्वेटर से डिस्टेंस जो है वो किसी एरिया का कितना है। अगर कोई ऐसा हमारे पास एरिया आता है जो इक्वेटर से उसका डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा, यानी जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आएंगे दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जाएगा। इसकी वजह हम पहले बहुत दफा ये डिस्कस कर चुके हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि जो सन की जो रेज होती है, इंसुलेशन है जो रेज की, वो इक्वेटर पे उनको थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और वो डायरेक्टली उसको स्ट्राइक करती है इक्वेटर को, वाइल जैसे हमने इक्वेटर से दूर मूव करना है ट्रॉपिक्स की तरफ या फिर पोल्स की तरफ, तो सन की जो रेज है उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, वो फिर वर्टिकली जो है वो वहां पे स्ट्राइक कर रही होती है, तो इसलिए वहां का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है बनिस्बत इक्वेटर के या हते इस्तवा के। जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी जिसमें एक साइड पे राइट साइड पे अर्थ जो हमें दिखाई गई है, ये हमारे पास ग्लोब मौजूद है, और यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो है वो सन मौजूद है और इसकी जो रेज है वो स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पे ये वाला जो एग्जैक्ट रीजन है ये इक्वेटर पे जो स्ट्राइक करती है इनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है और डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है इक्वेटर पे, इसलिए इस रीजन में आ जाए वो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, और आप इससे जैसे जैसे मूव करेंगे यानी इक्वेटर से दूर होते जा रहे हैं, यहाँ पे हम इक्वेटर से दूर आ गए 30 डिग्री साउथ पे आ गए हैं, तो जो सन की रेज है उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, फिर उनकी जो स्ट्राइकनेस है वो वर्टिकली होगी, यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल डायरेक्ट रेज पड़ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बेंड होती जा रही है, ठीक है, और आप और जब आप नीचे से आए यानी पोल की तरफ के कुतबी इलाकों की तरफ, तो रेज जो है वो और ज्यादा डिस्टेंस उनको ट्रेवल करना पड़ रहा है और उनका जो ये एंगल है वो भी और ज्यादा स्लोपी हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव करेंगे, अवे मूव करेंगे, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। उसके बाद है जी एल्टीट्यूड, या फिर हम इसको कहते हैं जी बुलंदी। अब बुलंदी या एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है यही है कि जैसे है जैसे हम अर्थ सरफेस से हाइट की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे अर्थ सरफेस से, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा बतदरीज या आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेगा। अब इसका इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि जब हम सूरज की तरफ मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है। टेम्परेचर कम इसलिए ये हो रहा होता है कि जो हमारे पास सन की जो रेज आ रही होती हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को हीट अप नहीं कर रही होती, उन्होंने अब उसमें लेट्स सपोज हमारे पास जो रेज आ रही है सन की 100% है, अब उन 100% में से तकरीबन जो अर्थ तक पहुंचती हैं वो तकरीबन 46 या 48% होती हैं, बाकी सारी जो रेज होती हैं वो रास्ते में ही डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ जो है वो उनको ओजोन रोक लेगी, ओजोन इनको रिफ्लेक्ट कर देगी वापस सूरज की तरफ, कुछ जो है उनको क्लाउड्स रोक लेंगे,
एरिसोल्स रोक लेंगे, काफी ज्यादा जो रेज होती हैं वो पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और फिर बाकी जो होती हैं वो डायरेक्ट आके स्ट्राइक करती हैं अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे जब वो स्ट्राइक कर रही होती है तो उनको हम शॉर्ट वेव कहते हैं। तो शॉर्ट वेव जो होती हैं सन की रेज, वहां पे अर्थ पे स्ट्राइक करने के बाद वो दोबारा सूरज की तरफ मूव करती हैं जब वो लॉन्ग वेव बन जाती हैं। अब जब वो दोबारा ये वाला जो साइकिल चलता है, यानी सन की रेज का अर्थ पे आके टकराना, फिर टकरा के लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होके दोबारा सूरज की तरफ मूव करती हैं, जब दोबारा मूव करेंगी तो उसके बाद फिर जो क्लाउड हैं या उसके बाद जो ओजोन लेयर है वो उनको फिर रिफ्लेक्ट करती है जमीन की तरफ। अब अगर ये उनको रिफ्लेक्ट नहीं करें, सारी वापस चली जाएं, तो हमारे पास कोल्डर टेम्परेचर हो, यानी माइनस में टेम्परेचर रहे। अब ये इस तरह से एक साइकिल बन जाता है जिससे जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप रहता है, ठीक है। तो फिर इस तरह से जो ऐसे इलाके जैसे जब मतलब हम अर्थ सर्फिस के पास मौजूद रहते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे, अर्थ सर्फिस के से दूर जाते जाएंगे, बुलंदी की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना शुरू कर देता है। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी विंड डायरेक्शन या हवा का रुख। यानी क्या, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर कोई हवा जो है वो किसी सर्द इलाके से हवा आ रही है तो वो दूसरे इलाके से जहाँ पे जाके वो टकराएगी, जहाँ पे उसको ज्वाइन करेगी, अगर सर्द इलाके की हवा है तो उस जगह के टेम्परेचर को वो फिर कूल डाउन कर देगी, उसको डिक्रीज कर देगी। इसी तरह अगर कोई गर्म इलाके की हवा आ रही है किसी साइड से तो वो जिस इलाके से टकराएगी वहाँ का टेम्परेचर जो है वो उसको इंक्रीज कर देगी, इजाफा कर देगी टेम्परेचर में। तो इस तरह से इसका जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट होता है विंड की डायरेक्शन का। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल होगी एक शंघाई वाली, जैसे शंघाई और लाहौर जो है दोनों एक ही अर्थ बल्ब पे मौजूद है, यानी एक लैटिट्यूड पे मौजूद है। तो अगर हम इसको इक्वेटर के लिहाज से देखें, यानी जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि इक्वेटर से डिस्टेंस, उस लिहाज से देखें तो इन दोनों सिटीज का जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। शंघाई का जो टेम्परेचर है वो बहुत माइनस में चला जाता है सर्दियों में, इवन के वहां पे जो है वो फिर बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लाहौर का जो टेम्परेचर है वो मुतदिल किस्म का रहता है। उसकी वजह मेन ये हो रही होती है कि जो हवाएं होती हैं जिनको हम जो शंघाई है, शंघाई में जो हवाएं उसको स्ट्राइक कर रही होती है, शंघाई वाले इलाके को वो साइबेरिया एक रशिया का रीजन है वहां से आ रही होती है, और वहां पे आके वो डायरेक्टली चाइना का जो शंघाई वाला इलाका है उसको वो स्ट्राइक करती है, लेकिन लाहौर में आने तक के लिए उनको हिमालय कराक्रम को रेंज है उसको क्रॉस करना पड़ता है, फिर उनकी जो वो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ तक वो विंड विंड जो है वो हवा पहुंचने तक उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है फिर वो मुतदिल किस्म का रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाहौर में सर्दी नहीं पड़ती। तीसरा पॉइंट उसके बाद है जी नेक्स्ट, ओशियनिक करंट्स या बहरी रूहें। ये अभी हमने बिल्कुल रिसेंटली पिछले टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया है। जो बहरी रूहें होती हैं या जो ओशियनिक करंट्स, इनकी दो टाइप्स, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। अब जो वार्म करंट्स हैं जब वो किसी एरिया में जाएंगी, वहां पे मूव करेंगी, तो उस एरिया का जो उस जगह का या उस कॉन्टिनेंट का जो टेम्परेचर होगा वहां को उसको उसको वो वार्म कर देंगी, यानी वहां का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देगा। और इसी तरह अगर कोई कोल्ड करंट जो है वो किसी ऐसे इलाके में जाती है जहाँ पे टेम्परेचर कम है, कोल्ड करंट हमें पता है कि ज्यादातर पोलर रीजन से आ रही होती हैं, कुतुबैन से आ रही होती हैं और इक्वेटर की तरफ आती हैं, तो जब इक्वेटर वाले इलाकों की तरफ आएंगी तो वहाँ के टेम्परेचर को वो कम कर देंगी। इसी तरह वार्म करंट जो है होती हैं वी नो के वो इक्वेटर से मूव करती हैं, इक्वेटर से मूव करके लेट्स से जब उसमें हमने एक अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक पढ़ी थी, अटलांटिक ड्रिफ्ट जो जिसको हम बहर ओकेनूस की जाल भी कहते हैं उर्दू में, वो जब मूव करती है साउथ अमेरिका के साथ टकराने के बाद जो शुमाली इस्तवाई रो थी बहर ओकेनूस की, यानी साउथ अमेरिका के साथ वो स्ट्राइक करने के बाद वो जो अपनी राइट साइड पे मूव कर जाती है, यानी शमाल की तरफ, फिर शमाल की तरफ मूव करने के बाद वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक गल्फ स्ट्रीम और एक दूसरी जो थी अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ये जो अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है यानी बहर ओकेनूस की जाल जिसको हम कहते हैं, ये फिर यूरोप का जो मगरबी और शमाली इलाका है वहां पे जाके टकराती है और वहां का जो टेम्परेचर है उसको हाई कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो फिर डिफरेंट पोर्ट्स हैं वो भी ओपन रहती हैं सारा साल, यानी वहाँ पे टेम्परेचर जो फिर मुतदिल हो जाता है। इसलिए इस लिहाज से जैसे लैब्राडोर की जो करंट है वो एक सर्द पानी यानी वो एक सर्द रो है या फिर कोल्ड करंट है, तो वो जब नीचे की तरफ आएगी कैनेडा वाले इलाके में तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो उसको डिक्रीज कर देती है।
नेक्स्ट है जी डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी समुंदर से फासला। अब ये पानी जो है आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पानी जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। अगर आपको पानी को गर्म करना है तो आपको लेट से कि आपने एक डेगची में ही पानी रखा है तो आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने उसको दोबारा ठंडा करना चाह रहे हैं तो फिर वो 20 मिनट भी पड़ा रहेगा, फिर भी उस अपनी असल हालत में ठंडा नहीं हो पाएगा। लेकिन इसकी बरक्स जो खुश्की होती है, खुश्की जो है वो यानी कॉन्टिनेंट कह लें या फिर खुश्की वाले इलाके कह लें, वो उसकी निस्बत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी फिर उसी तरह से ठंडे भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होती है हीट वेव्स की, हीट की, वो ज्यादा होती है खुश्की के इलाकों में। इनकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है उसको आगे से अब्जॉर्ब करने की, तो इसलिए जो खुश्की वाले इलाके होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो अब वजह क्या होती है, हम इसको समुंदर से फासले से कैसे रिलेट करेंगे कि जैसे अब चूंकि जो वो इलाका जो समुंदर के करीब है, समुंदर का जो पानी है उसके लिहाज से अगर लेट्स सपोज के सुबह जो है वो सूरज ने निकलना स्टार्ट किया है तो आहिस्ता आहिस्ता यानी 2 बजे 2:30 बजे के पास जाके जो समुद्री पानी है वो गर्म होना स्टार्ट होगा, और फिर जैसे ही उसने थोड़ा सा गर्म होगा या थोड़ी पीक तक पहुंचेगा, शाम का टाइम हो जाएगा, समुंदर का पानी वापस दोबारा ठंडा होना शुरू कर देगा। इस तरह से उस इलाके का, ऐसे इलाके जो समुद्र के बिल्कुल करीब होते हैं, वहां का जो दर्जा हरारत होता है वो बढ़ता रहता है और कम होता रहता है, तो वहां पे मुतदिल किस्म का टेम्परेचर मिलता है। तो फिर हम डिस्टेंस से जैसे 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 सी से हम दूर होंगे समुद्र से, तो ये फिनामिना हमें जो है क्योंकि पानी वाला नहीं मिलेगा तो वहां पे हमें जैसे जैसे समुद्र से दूर होंगे गर्मी जो है वो ज्यादा मिलेगी और सर्दी जो है वो उस तरह से कम होती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी स्लोप ऑफ द लैंड यानी इलाके का झुकाव। यहाँ पे कहता है कि जो कुछ ऐसे इलाके जैसे लेट्स एक माउंटेनियस रीजन है यानी पहाड़ी इलाका एक है, तो पहाड़ की दो साइडें मौजूद हैं, एक साइड ऐसी है जहाँ पे सन की रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ रही है तो वहां पे टेम्परेचर उस इलाके में वो जितना भी रीजन वहां पे आएगा तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन एक साइड पीछे रह जाती है पहाड़ की जो पीछे मौजूद थी, वहां पे जो सन की रेज है वहां पे भी पहुंचती है लेकिन उनको फिर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उनका एंगल चेंज हो जाएगा, वर्टिकली वहां पे वो स्ट्राइक करेंगी। तो इस लिहाज से जो ऐसा रीजन जो कि माउंटेनियस रीजन यानी पहाड़ी इलाके का एक पीछे वाला स्लोप के पीछे रह जाएगा इलाका, वहां पे टेम्परेचर कम रहेगा, और ऐसा इलाका जो कि स्लोप के बिल्कुल सामने है जो कि सन की रेज को डायरेक्ट फेस कर रहा है वहां का टेम्परेचर जो है वो हायर रहता है उसकी निस्बत जो कि जो ऐसा इलाका जो पीछे मौजूद होता है। देन बिल्कुल हमारे पास लास्ट में आता है जी बादल और बारिश, क्लाउड्स एंड रेन। यानी यहाँ पे अगर कोई ऐसा इलाका जहाँ पे क्लाउड्स रहते हैं, बादल छाए रहते हैं जी सारा दिन, उसके बाद बारिश होती रहती है अक्सर, तो ऐसे इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो कम होगा, और अगर कोई इलाका ऐसा है जहाँ पे जो वो क्लाउड्स कवर बहुत कम होता है, रेन फॉलिंग भी कम हो रही होती है, यानी जैसे सहराई इलाके होते हैं डेजर्ट रीजन, जैसे पाकिस्तान में अगर हम बात करें बहावलपुर जिसे हम चोलिस्तान डेजर्ट कहते हैं, थार है या थल है, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्लाउड कवर बहुत कम होता है, होता ही नहीं है गर्मियों के सीजन में, मानसून में कुछ यहाँ पे वहाँ बारिश होती है बहुत कम, तो वहाँ पे फिर जो टेम्परेचर है वो फिर ज्यादा रहता है। लेकिन उस भी उसकी निस्बत अगर हम नर्दर्न एरिया पाकिस्तान का देखें जैसे मरी और नीलम फिर गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन, तो वहाँ पे क्लाउड्स कवर ज्यादा मिलते हैं, रेन फॉलिंग भी होती रहती है, तो इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है फिर वो भी कम रहता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे जी, बाकी नेक्स्ट जो कल पढ़ेंगे, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। हम ज्यादा तो नहीं पढ़ते, अगर ज्यादा पढ़ते हैं लेक्चर लंबा होता है तो आप बता दें। ठीक ये असाइनमेंट असल में आपका क्लास वर्क है, तो आप हफ्ता तो हो गया आपको दिए हुए, कोशिश करें 1-2 दिन में करवा दें, सब सेंड कर दें। स्लोप ऑफ लैंड कहते हैं जी एक ऐसा रीजन जहां पे
एक ऐसा रीजन जहाँ पे सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट उसको फेस कर रही हैं, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी अगर आपके पास एक पहाड़ मिल जाए, आप तो सफर करें कि एक माउंटेनियस रीजन को आप माइंड में लेके आए, तो माउंटेनियस रीजन का पहाड़ी इलाके का एक ऐसा इलाका जहाँ पे डायरेक्ट वो सन को रेफेस कर रहा है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। और एक ऐसा रीजन होता है पहाड़ का जो पीछे की तरफ रह जाता है, जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। होमवर्क जो आपको मिल रहा है, जैसे इस्लामियात, उर्दू, या फिर इसके बाद इसकी भी ज्योग्राफी की बाकी सब्जेक्ट्स की भी जो असाइनमेंट्स मिलेंगी होमवर्क के लिए, वो आपने कॉलेज में भेजनी होगी हार्ड फॉर्म की सूरत में। यानी आप उसको किसी पेपर पे लिखेंगे और फिर कॉलेज भेजेंगे। फिर बता दें, ठीक है। जी मैं लिख रहा हूँ दोबारा मेल। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।